या वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपका दो लेक्चर जनरली दे दिया गया है, किस पे? केमिकल बॉन्डिंग में, और ये आपका थर्ड लेक्चर है और यही आपका लास्ट लेक्चर होगा ये चैप्टर में। और फिर हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जान ही चुके हैं, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये खत्म होने से फिर हम लोग चैप्टर रैप कर लेंगे यहीं पर। कुछ और चीज़ें बताना था इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट में, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक का एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन एक जो है कॉन्सेप्ट था वो इसमें मैं कवर कर लेता हूँ अभी स्टार्टिंग में, और फिर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे। राइट, विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 30 मिनट्स। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट है वो हम लोग जानेंगे। पहला है, देखिए, अरेंज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक एक्सपेरिमेंट है, आपको एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है अरेंज करना है। इसमें आपको 6 वोल्ट का एक बैटरी लगा देना है, एक एमिटर होगा, राइट, एक बल्ब एंड अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कनेक्टेड इन सीरीज, राइट, और दो इलेक्ट्रोड होंगे जो प्लैटिनम के होंगे और उसको हम सीरीज में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। बल्ब एक रहेगा, बल्ब क्या बताएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इससे हम लोग पता कर लेंगे कि किस पे बल्ब ग्लो कर रहा है और किस पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे चीजें लेंगे, जैसे कि हम अल्कोहल लिए, क्लोरोफॉर्म लिए, बेंजीन लिए, पेट्रोल लिए, शुगर सॉल्यूशन लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, ये सारे चीजें हम लोग ले रहे हैं, इतने सारे चीजें, इन अ सेपरेट बीकर, सब अलग अलग बीकर में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इन अ बीकर होगा वो, ठीक है, सेपरेट बीकर, ठीक है, एंड डीप दी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड फॉर अ मोमेंट वन बाय वन। और हम लोग के पास जो इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, वो सब सब्सटेंस में हम लोग क्या करेंगे, एक एक बार डुबा के देखेंगे। हमने इतना सारा सब्सटेंस लिया हुआ है, 7 या 8 सब्सटेंस, सब में हम लोग ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डुबा के देखेंगे। और जब हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डुबा के देख रहे हैं तो एमिटर में कुछ स्लाइट रीडिंग आएगा, वो हम लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है, चेंज इन द एमिटर रीडिंग। फिर हम लोग को क्या पता चलेगा, व्हेन द करंट इज पास्ड इन सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। हमें पता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, MgCl2, इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मैग्नीशियम क्या करता है, दे देता है क्लोरीन को सब दिन के लिए, है ना। आपका यहाँ सोडियम क्लोराइड भी एक क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, जिसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है सब दिन के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वो भी एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ही है। तो इस प्रकार के ये सारे जो हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। और वहां पर जब हम लोग प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डुबा रहे हैं तो वहां पर बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो इससे हमें पता चला कि हम जब भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ले रहे हैं तो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या फिर आयनिक कंपाउंड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। और अगर वो अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग वही अल्कोहल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, ये सारे क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, शेयर होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो वहां पर अगर हम लोग वही प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डुबा रहे हैं, एमिटर रीडिंग नोट कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो यहाँ से एक चीज पता चला कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो चीज है, दिस शोज दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वही चीज बताया गया है। वैसे बहुत ऐसे आपके बुक में है, ठीक है, और यहाँ से बहुत रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, ओके, यहाँ पर आप कम से कम नहीं होते हुए भी ये एक पेज में 8 से 10 रीजनिंग क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। सबका रीजन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 6 रीजन है, यहाँ 6 रीजन है, तो आपको 12 रीजन तो दिख ही रहे हैं। पहला रीजन क्या है, बोल रहे, देखिए, नेचर,
अभी आप इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, वी नो दैट। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में अपना खुद का पार्टिकल वो क्या होता है, आयन होता है, Na प्लस Cl माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आयंस नहीं होते, क्योंकि आयंस तो एब्सेंट होते हैं। कोवेलेंट कौन बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, Cl2, H2O2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनका पार्टिकल जो है दे आर मॉलिक्यूल्स, बट हियर दे आर आयंस, और आयंस है इसीलिए देखिए दे आर हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, दीज आर गैसेस और लिक्विड, सॉलिड नहीं होते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल आप कुछ भी सोचो, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या है, एक एक गैस है या फिर लिक्विड है, सॉलिड बहुत सॉलिड है ही नहीं। ओके, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। भाई कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, गैसेस या फिर लिक्विड होते हैं। यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए दिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, सॉलिड है, सॉलिड है तो ऑब्वियसली उनका अट्रैक्शन क्या होता है, स्पेस तो बहुत कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, लग लग के रहते हैं सारे चीजें, तो यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है सॉलिड में। उनको दूर करना अलग बात है, बहुत अलग बात है, उनको दूर कर ही नहीं सकते आप। बहुत ही जो है क्या है, जुड़ के रहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, सॉलिड जो है बहुत जुड़ के रहते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, वो गैसेस हैं और लिक्विड हैं, और आप जानते हो गैस और लिक्विड के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस या फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। गैस का तो पूरा ही कम होता है, लिक्विड का कम होता है किससे, सॉलिड से, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर दे हैव अ बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, तो ये इसका रीजन है। अगर आपको कोई बोला गया कि कोवेलेंट कंपाउंड आर ऑलवेज फाउंड इन गैस और लिक्विड, व्हाई दे आर फाउंड इन गैस और लिक्विड, तो आपको बताना है कि देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, दैट्स व्हाई दे आर फाउंड इन गैस एंड लिक्विड। अब अगर वो सॉलिड में पाए जाते तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता, काफी ज्यादा होता। वही यहाँ पर भी एक रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पहला वाला आपको समझ में आया होगा। दूसरा वाला क्या है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। दे हैव अ वेरी हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, दे आर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब, वोलेटाइल मतलब उड़ जाना, ओके, और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, नहीं उड़ना है, जो क्या होते हैं जिनका डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, दे आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। तो गैसेस के डिफ्यूजिबिलिटी बहुत ज्यादा होते हैं, गैस तो तुरंत डिफ्यूज करते हो, आप ऐसा करो तो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे ना। हाँ, क्लास में आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, कभी कुछ ऐसे जो है प्रदूषण फैल गया आपकी क्लास में, तो आप ऐसा ऐसा करोगे ना, ऐसा ऐसा करने से क्या होता है, गैस इधर उधर हो जाता है। सॉलिड में आप ऐसे ऐसे करने से हो जाएगा कि इधर उधर नहीं होंगे ना। तो वही है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका रीजन वही है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दी अपोजिटली चार्ज आयन। अपोजिटली चार्ज होता है, Na प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, Cl क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वोलेटाइल दे हैव अ लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, जस्ट बिकॉज दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली कम एनर्जी चाहिए होगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो तो वैसे ही टूटे हुए हैं और क्या ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, वो सीन है। यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है, यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा उनको तोड़ने के लिए, है ना। तो इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो हमने पढ़ ही लिया है, दे आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर आप बोल सकते हो नॉन कंडक्टर। और रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आयंस नहीं है, फ्री आयंस नहीं है, फ्री मोबाइल आयंस नहीं है, यहाँ पर तो आयंस अवेलेबल है, यहाँ तो मॉलिक्यूल है, तो आयंस नहीं है, तो ऑब्वियसली दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। आयन होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वो भी किस पे, फ्यूज स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट पे, ओके, सॉलिड स्टेट पे नहीं। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या, ये उल्टा है, आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, डिसोसिएट करना, डिसोसिएट मतलब टूट जाना, ओके, है ना, एक चीज दो में बिखर जाना को डिसोसिएट बोलते हैं। तो यहाँ पर डिसोसिएशन क्या है, देखिए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ आयन, इन सॉल्यूशन दिस आयन बिकम मोबाइल, और इन मोल्टन स्टेट दिस आयन डिसोसिएट, ये आयन क्या होता है, टूट जाता है, जैसे कि NaCl, NaCl टूट के क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, वो जस्ट बिकॉज किसके वजह से हुआ, क्योंकि आयन्स
मोबाइल है, फ्री मोबाइल आया ना, तो वो अपना अलग रास्ता चले जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। NaCl क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, आयन डिसोसिएट इन वाटर और इन मोल्टन स्टेट। आयन किस पे डिसोसिएट होते हैं, पानी में, ठीक है, पानी में आयन डिसोसिएट होते हैं। देयर आयन डिसोसिएट एंड माइग्रेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम इन देयर मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। तो इनके जो आयन्स हैं जो डिसोसिएट हो रहे हैं, जैसे कि NaCl के आयन डिसोसिएट हो रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस, और फिर वो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अपने अपने रास्ते, यहाँ पर इलेक्ट्रोड का बात हो रहा है। Na प्लस कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, Na प्लस कैटायन है तो जाएगा कहाँ, कैथोड में जाएगा। और ये वाला किस पे, Cl माइनस है मतलब नेगेटिव है, तो वो किस पे जाएगा, एनोड। तो वो जो है क्या है, रास्ता है उनका, वहां पर वो चले जाते हैं, राइट। और फिर यहां पर क्या है, देखिए, सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, दे आयनाइज इन द सॉल्यूशन एंड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। कुछ पोलर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जनरली क्या है, पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। तो ये जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो आयनाइज होते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे डू नॉट आयनाइज। याद रखना, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दे डू नॉट आयनाइज इन वाटर, हमने पढ़ा है, और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या करते हैं, वाटर में आयनाइज होते हैं। नॉन पोलर मतलब कैसे, H2, Cl2, दे डू नॉट आयनाइज इन वाटर। लेकिन अगर पोलर का बात करें, पोलर में कौन है, H2O, HCl, वो सारे क्या है, पोलर कंपाउंड्स है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दे गेट आयनाइज इन सोल्यूशन। जैसे H2O आयनाइज होकर क्या बन रहा है, देखो, एसिड के साथ मिल रहा है और बना रहा है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एंड हियर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, फिनॉल, ये सब में सॉल्युबल नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो वो पानी में इनसॉल्युबल रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं, अल्कोहल में, फिनॉल में, ये सब में क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही रैपिड होता है, ट्रांसफर करना होता है तो बहुत जल्दी होता है। हाँ, दे शो रैपिड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एक्वास सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट ऑफ फ्री मोबाइल आयन्स हैं। रीजन वही है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयन्स दे शो आर रैपिड स्पीड ऑफ रिएक्शन, बट दे शो व्हाट, स्लो स्पीड ऑफ रिएक्शन, क्योंकि उस पे आयन्स नहीं होते, तो चीजें करने में उनको टाइम लगता है। ये फटाफट करता है कौन, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। वही कोवेलेंट कंपाउंड को थोड़ा समय लगेगा। तो वो सारे जो है रीजन आपको जानना है। एक रीजन, एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है ये चैप्टर से बोर्ड में, और यही 12 में से कुछ होगा, और इसका मैक्सिमम आंसर वही होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयन्स। जो भी रीजनिंग क्वेश्चन आपके बोर्ड में देता है, इसका आंसर वही रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल आयन्स। तो वो आप थोड़ा देख के जाइए। अब बात करते हैं हम लोग किस पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ये लास्ट टॉपिक है हमारा ये चैप्टर का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखिए समझते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला क्या जा, बोलना क्या चाह रहा है, वो बोल रहा है, देखिए, सपोज हम लोग क्या बात कर रहे थे, HCl का सोच लीजिए, ये क्या है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखा है और Cl के साथ अगर वो बॉन्ड बना रहा है, तो Cl कितना होता है, 3, 4, 5, 6, 7, और वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और बनाते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अगर इसको चाहिए, सपोज मैं H प्लस आयन लेता हूँ, तो H प्लस आयन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, वो तो H से अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने वो भी दे दिया है और बन गया क्या, H प्लस आयन। मैंने बोला था इसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपली एक प्रोटॉन बोल सकते हो, है कि नहीं, सिंपली प्रोटॉन।
प्रोटॉन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अब ये एच प्लस आयन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो अपने खुद से तो वो किसी को दे नहीं सकता, लेकिन वो क्या करेगा, किसी और से पूरा का पूरा दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर कर लेगा। मतलब उसका योगदान नहीं है, ये जो सामने वाला जो दे रहा है वो पूरा दे दे रहा है, कंप्लीटली वही जो है शेयर कर रहा है, राइट। हम लोग मतलब एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे H3O NH4, वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं मैं बताऊंगा आपको, इसके लिए लेकिन आपको कुछ चीजें की पहले जानना होगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी कभी डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। और एक चीज भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों का जो है थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो इसको हम लोग कभी कभी को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, को आयनिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और को आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों दिखाता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी, ठीक है। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा है, किस पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। वही होता है ना, मेल फीमेल और थर्ड कैटेगरी, वैसा है वो, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, एमोनियम आयन, कार्बन मोनोक्साइड, दीज ऑल कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तीनों का मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कैसे जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो कंटेन कर रहे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए हमें दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। क्या है वो दो कंडीशन, तभी हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर पाएंगे, ऐसे सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा, कंडीशन होना चाहिए। दो कंडीशन क्या है बोल रहा है, देखिए ये है दो कंडीशन, ठीक है। वन ऑफ द टू एटम, जो भी दो एटम रिश्ता बना रहे हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बना रहे हैं, वन ऑफ द टू एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ये लोन पेयर, ये भी मैं बताऊंगा आपको अभी। एंड वन एटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक के पास देने के लिए होना चाहिए लोन पेयर, एक के पास लेने के लिए जगह होना चाहिए लोन पेयर। अब लोन पेयर होता क्या है, जैसे कि देखिए नाइट्रोजन, ओके नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल खाली मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, पांच है ना। वो क्या करेगा, तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में एक है, ये हाइड्रोजन के पास एक है, और ये हाइड्रोजन के साथ एक है। तो ये एक ऐसा शेयर कर लिया, बॉन्ड में भाग लिए, है कि नहीं, तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लिए। और ये दो जो है इनको कोई नहीं पूछा, है ना, तो ये जो है रोने लग गए, है ये दोनों जो है रोने लग गए। तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, लोन। कुछ उनका फिगर भी जो है ऐसा ही रहता है, ये दोनों हमेशा चले जाऊंगा बोलते हैं, हम लोगों तो पूछ नहीं रहे हो तुम लोग, तो क्यों रहेंगे हम लोग, तो वो लोग थोड़ा उठ के रहता है साथ, ठीक है। तो ऐसा ही जो है फिगर रहता है NH3 का, थोड़ा ऐसा उठ के रहते हैं वो लोग, तुम लोग पूछ नहीं रहे हो तो क्यों रहे हम लोग तुम्हारे पास बोले, तुम लोग तो ये तीनों को ले लिए, हम दोनों का क्या है? तो वो थोड़ा ऐसा उठ के रहते हैं, देखिएगा। तो ये दोनों को बोलते हैं क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या करेंगे, अब नाइट्रोजन बोल रहा है हमारा यहाँ पर तो कोई इज्जत नहीं है, मैं अपना दो इलेक्ट्रॉन किसी और को दूंगा, तो वो जाहले थोड़ा मेरा क्या करेगा, इज्जत तो करेगा है? तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, किसको देते हैं, एच प्लस को देते हैं, और एमोनियम आयन बनाते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लोन पेयर आपको समझ में आया, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, जो बॉन्ड में पार्ट नहीं लेते हैं, उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है, एक के पास लोन पेयर लेने का शक्ति होना चाहिए और एक के पास देने का शक्ति होना चाहिए। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम, ठीक है, इज नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसी और एटम के साथ शेयर नहीं हो रहा है बॉन्ड बनाते समय, तो हम लोग उस जैसे इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेचारा को अकेला छोड़ दिए थे ना, नाइट्रोजन में तीन तो बना लिया अपना जिंदगी, हाइड्रोजन के साथ दो जो है इलेक्ट्रॉन रह गए थे, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पर क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ड
Coordinate bond can also be defined as the bond formed between an ion and an atom of पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल विथ वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर NH3, NH3 क्या है? NH3 पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ना? NH3 जो है पोलर कोवलेंट कंपाउंड है कि नहीं? वो क्या करेगा, ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल कभी जो है अपना रिश्ता बनाएगा किसके साथ? एक आयन के साथ। आयन कौन है यहाँ पर? सोच लो, एच प्लस के साथ बनाया, एक बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बना के क्या बनाए वो लोग? NH4। ये जो है आपका क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से ये चीज हुआ है ना। तो कोऑर्डिनेट का बॉन्ड का डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन व्हाट? एन आयन। इट इज अ बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल, राइट? इट इज अ बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल विथ वन और मोर पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन, विथ वन और मोर पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो रहोगे ना। अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज को आयनिक बॉन्ड। और जो अपना लोन पेयर देता है, ठीक है, द एटम विच प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए पूरा अपने आप पूरा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोनर बोलेंगे। और जो रिसीव करता है, जो चीज दे रहा है, तो अब एक और होना चाहिए ना रिसीव करने के लिए। तो जो एटम और आयन शेयरिंग द डोनेटेड इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है? एक्सेप्टर, देने वाला जो है तो दे रहा है, लेने वाला भी तो होना चाहिए है? तो ये लेने वाला को एक्सेप्टर एंड देने वाला को डोनर, राइट? तो ये चीज आपके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। आप कैसे करेंगे? देखो, मैं यहाँ पर बनाता हूँ बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अभी हमने NH3 जो है ले लिया है। ठीक है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना है? एक दो, एक दो तीन। हाइड्रोजन के साथ बनाया उसने, ये हाइड्रोजन के साथ बनाया और ये हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो ये जो बॉन्ड मैंने बनाया है, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है जो किससे हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ है ना, म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। तीनों बॉन्ड वैसा हुआ। तो ये तो मैंने एन लिख दिया, यहाँ पर एक एच से एक सिंगल बॉन्ड बनाया, एच के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया एच के साथ, और ये बेचारे दो को क्या कर दिया? छोड़ दिया है ना। ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए। अब ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मिल जाते हैं। ये NH3 फिर मिल जाता है किससे? एच प्लस आयन से। एच प्लस आयन से मिल जाता है और बना देता है क्या? NH4 आयन। तो एच प्लस के पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। तो वो पूरा जो है क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कौन? एच। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं? देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। नाइट्रोजन खुश है, वो तो पहले भी खुश था, कुछ नहीं है, वो पहले भी खुश था। वो क्या किया? बस चैरिटी है ना, अपना लोन पेयर जो है उसने दे दिया, चलो इसका भी भला होगा करके। हाइड्रोजन एच प्लस का भी भला होगा। नाइट्रोजन तो खुश था, पहले ही खुश था। ओके ओके, पहले खुश था वो। लेकिन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन खुश नहीं था, उसको नहीं मिला था। ओके, तो वो दुखी था, तो अपना दो इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब एच प्लस भी खुश है। तो अब एच प्लस और NH3 मिलके क्या बनाए? NH4+ है कि नहीं? वैसे हाइड्रोनियम आयन का भी होता है, H2O का है ना, H2O का भी वैसा ही होगा। देखिए, ये मैं किसका बनाया हूँ? देखो, अमोनियम का बताया हूँ, यही है। देखिए, ये लोन पेयर है ना, ये जो है लोन पेयर है। ये एच 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 के साथ क्या बनाया? देखो, ये बॉन्ड तो बना दिया तीन ठो,
और ये दो जो है लोन पेयर है, ये क्या बनता है, एच प्लस के साथ बनेगा। इधर देखो, ये जो है एच के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और ये जो दो ठो बॉन्ड नाइट्रोजन पूरा दे दिया किसको, हाइड्रोजन को, और ये बनाया क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर जब NH4 बताओगे तो ये तो क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, और नाइट्रोजन अपना दो इलेक्ट्रॉन दे दिया एक हाइड्रोजन को, तो वो क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, एंटायरली एक ही एटम उसको दे दिया है। तो आपको क्या करना है, एरो मार्क देना है, राइट। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पर ये तीनों बॉन्ड जो है वो क्या बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है ये क्या है, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर को आयोनिक बॉन्ड, तीन नाम है, ठीक है, ये तीनों आप बोल सकते हो। समझ में आया। और वैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का भी होता है, देख लीजिएगा यहीं पर दिया हुआ है, वो NH4Cl में तीन कोवलेंट और वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वही अगर आप देखोगे H2SO4 में तो ये भी बनाते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो आप घर में जो है ये ट्राई करिएगा, किसका, OH- आयन का, हाइड्रोक्सिल आयन का, OH- आयन का जो है मुझे बताइएगा कैसे जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन का बनाते हैं, H3O+ का, कैसे करेंगे, पहले हम लोग लेंगे H2O। H2O आपको ले सकते हो, ऑक्सीजन के कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 6 है ना। एक काम करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ओके, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, वो जो है हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं अपना बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बनाएंगे एक और बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो, एक तो ये बेचारे दुखी हैं और ये एक और, ये भी दुखी हैं, दोनों दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो फिर किससे मिलते हैं, एक H+ आयन से मिलेंगे, ठीक है, H+ आयन से मिलते हैं, और वो दोनों जो है क्या करता है, ये H+ ले लेता है, तब भी इसको नहीं पूछते, एक तो चला गया, चलो H+ के पास, इस वो तो रह ही जाएगा है? तो वो दोनों बना लेते हैं, क्या क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए एरो मार्क। समझ में आया आपको। तो यही जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये आपने समझ लिया तो बहुत आसान है, नहीं तो क्या होता है, एक डाउट रह जाता है बहुत लोगों को कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कैसे हो रहा है, ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। घर में आप जाके OH- का थोड़ा जो है करिएगा, समझ में आया। किस तरीके से डेटिव बॉन्ड होता है। तो दैट वाज फॉर दिस लेक्चर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। हम लोग ये चैप्टर के फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जहाँ पर आपको सब प्रकार का क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, वन वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस, गिव रीजनिंग, ये प्रकार के कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग करने वाले हैं ये चैप्टर में। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ये चैप्टर में, ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में भी। जल्दी जल्दी हम लोग एक एक लेक्चर बनाएंगे एसिड का, बेस का और सॉल्ट का, 3 लेक्चर में हम लोग आने वाले चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे।